आम आदमी पार्टी ने आज चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में अपनी अभूतपूर्व चुनावी शुरुआत करते हुए 35 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की और चंडीगढ़ नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यह स्पष्ट है कि आप आज एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकती है और जीत सकती है। एक जिसे मौलिक रूप से बाहर रखा गया है और जनता का ध्यान इसे प्रभावित करने वाले वास्तविक रणनीतिक मुद्दों से हटाने की कोशिश करता है। हमारे नागरिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बुरी तरह विफल रही है क्योंकि यह बार बार अपने चुनावी वादों से पीछे हटती है, अपने मतदाताओं को कम करती है और बड़े पैमाने पर संघर्ष और भ्रष्टाचार में घिर जाती है। भारत भर में आम आदमी पार्टी के विकास के लिए जनता के समर्थन में तेजी से वृद्धि के साथ हमें विश्वास है कि आप 2022 में NMC चुनाव भी जीतेगी। एकमात्र पार्टी जिसने सुशासन साबित किया है, इस अभूतपूर्व जीत का जश्न आज नागपुर में भी मनाया गया। चंडीगढ़ मध्ये आज महानगरपालिकेमध्ये आम आदमी पार्टीचे 14 सीट जिंकून आलेले आहेत। त्याचप्रकारे आता येणारी जी महानगरपालिका नागपूरची निवडणूक राहणार आहे, त्याच्यात सुद्धा आम आदमी पार्टी मोठ्या संख्येमध्ये जिंकून येणार। आणि हा परिवर्तन जसं चंडीगढमध्ये चंडीगढच्या जनतेंनी केलं आहे, तसंच माझ्या नागपूरकरांना मी विनंती करते की हा परिवर्तन तुम्हीच घडवून आणा आणि येणारी महानगरपालिका नागपूरमध्ये तुम्हाला आता आम आदमी पार्टीला जिंकून द्यायची आहे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ चुनाव में 14 सीट जीतकर धमाकेदार जीत हासिल की है और ये दो वहाँ के सिटिंग मेयर भी हार गए हैं और साथ में दो पूर्व मेयर भी हार गए हैं। नागपुर में भी आम आदमी पार्टी इसी तरह की जीत हासिल करेगी और जनता ने मन बना लिया है कि जो मौजूदा भाजपा सत्ता में है उसको हटाने के लिए नागपुर में भी, वहाँ जो मुद्दा था चंडीगढ़ में गंदगी का मुद्दा था, चंडीगढ़ में कभी वो एक साफ सुथरा शहर हुआ करता था, जबकि जब से भाजपा सत्ता में थी उसको गंदा शहर बना के रखी थी, वही हाल नागपुर का है। नागपुर में भाजपा ने पूरे गंदा शहर बना के रखा है। नागपुर का 23वां रैंक हो गया साफ सुथरे में, जबकि यह पहले या दूसरे स्थान पर रहा करता था। तो नागपुर के जो सिटिंग मेयर हैं और साथ में जो पूर्व मेयर हैं वो भी सावधान रहें क्योंकि चंडीगढ़ जैसा उनका हस्त्र हो सकता है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।